Hello friends, welcome to Fullstack Education. Today is 30th of May and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस अब तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हाल ही में किस संस्था ने चैटबॉट पाई लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, NPCI। NPCI की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है और ये जो है डिजिटल फाइनेंस सपोर्ट का एक पहल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पहल थी, ठीक है, उसकी एक देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इकाबॉग नामक बुक किसने लिखी है? इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जे के रॉलिंग ने द इकाबॉग नामक पुस्तक को लिखी है। जे के रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर के लेखक थे, इन्होंने ही इकाबॉग नामक पुस्तक लिखी है। यह बुक कोरोना वायरस के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी गई एक किताब है। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मई। 28 मई को ही विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया था। इसे पहली बार 28 मई 2014 को मनाया गया था। ये एक जर्मन एनजीओ है, वॉश यूनाइटेड, इसके द्वारा मनाया गया था ताकि इसका प्रमुख उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक कलंक को बदलना था। इसे 28 मई को इसलिए मनाया जाता है कि यह औसतन माना जाता है कि औसतन मासिक धर्म जो 28 दिन का होता है और इसकी अवधि 5 दिन होती है, इसीलिए 28/5 को इसे मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न से हमें तीन इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा संपर्क अनुरेखण अनुप्रयोग लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने 40 दिन के अंदर 11 करोड़ 40 लाख लोगों तक पहुंच बना ली है। अब हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगले 2 हफ्तों में इसका iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया कर दिया गया था। इसे प्रत्येक व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफल प्रयोग किया है। अब मैं आपको बता दूं, चाइना ने ही शिंगयून 201202 सैटेलाइट का लॉन्च किया है और पहला मंगल मिशन तियानवेन 1 जो मार्स मिशन है इसको लॉन्च किया है। और इस हाल ही में और 2022 का एशियन गेम्स जो है वो चाइना में होने हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स भी आपके चाइना में होने हैं, विंटर ओलंपिक भी चाइना में होने हैं। चाइना ने ही हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, DCEP। DCEP की फुल फॉर्म में डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसको ये कहते हैं। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के साथ फ्लिपकार्ट ने मैंगो बोर्ड के अध्यक्षों के साथ समझौता किया है जिससे इनके आमों की खपत आसानी से हो सके वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये आम बिक सकें। 3 किलो प्रति पैकेट के हिसाब से इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। अब बात यहाँ पे फ्लिपकार्ट की हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल व बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। कर्नाटक ने ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गेट गो की शुरुआत की है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का भी आयोजन कर्नाटक ने किया था। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सिंगापुर के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पी कुमारन। इसमें आपके सामने एक ऑप्शन है पी के नायर। पी के नायर जी को हाल ही में नाइजर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 लाख। सेबी ने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। उसने वर्ष 2016 से 19 के बीच NHAI ने इंफॉर्मेशन देने में डिले किया है, इसीलिए NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। अब बात यहाँ पे सेबी की हुई है तो मैं आपको सेबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एट प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं अजय त्यागी जी हैं। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह एक लेखक थे, वह एक उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 में हुआ था। इन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने खराब मौसम के कारण किस मिशन को स्थगित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डेमो टू। डेमो टू नामक मिशन जो कि नासा और स्पेस एक्स की संयुक्त रूप से एक मिशन है जिसे खराब मौसम के कारण हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। इसे 29 और 30 मई को लॉन्च करने की डेट निर्धारित की गई है। अगर मौसम खराब रहा तो इसे आगे भी निरस्त कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, डेमो टू ये मिशन में 2 लोग जाएंगे, एक का नाम है बैनकेन और दूसरे का नाम है डगलस हार्ली। ये 2 व्यक्ति हैं जो कि स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पर रुककर अनुसंधान करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में 5 देशों के द्वारा की गई थी और इसे 2030 तक माना गया है कि यह कार्य करेगा। ये 5 जो देश हैं, जापान स्पेस एजेंसियां हैं, मतलब कि देश नहीं है, 5 स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की थी। जापान की जैक्सा, अमेरिका की नासा और रसिया की रॉसकॉस्मस, कनाडा की कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 5ों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की है जो कि हमारे सरफेस से 440 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित है। लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो यहाँ से जो स्पेस एस की दूरी है वो 440 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के आसपास की आंकी गई है।
अब बात यहाँ पे नासा की हुई है तो मैं आपको नासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। एट प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं जिम ब्रैंडेनस्टाइन, ये एट प्रेजेंट टाइम में नासा के हेड हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।